शुरुआत की, 9,293 सखी मंडल बनाकर 1,26,000 महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम किया। सिर्फ धनबाद क्षेत्र के अंदर 90,000 गरीबों को बिजली का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे सांसद ने किया। 8 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं जिसके तहत 75,000 से ज्यादा गांव घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की शुरुआत की। 8 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 80 बेड वाले छात्रालय बनाने की शुरुआत की। 1288 किलोमीटर अरे करोड़ रुपए की लागत से 122 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया। और मित्रों, 5,85,000 छात्रों को 12वीं और 10वीं की पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का काम किया। ये सारे काम किए मोदी जी ने। धनबाद के लिए भी बहुत सारा काम किया है। 22,00,000 किसानों किसान सम्मान निधि मिला है। बाबा नगरी देवधाम में देवधर में एम्स की शुरुआत की है। जमशेदपुर, देवधर, दुमका, बोकारो में नया एयरपोर्ट बनाया है। रांची में कैंसर अस्पताल की शुरुआत हुई है। पर पतरातू में 4,000 मेगावाट का बिजली का कारखाना बिठाया है। हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाकर छात्रों को डॉक्टर बनाने की शुरुआत की है। 20,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ढेर सारी चीजें करी है, ढेर सारी। मैं इसको गिनाना नहीं चाहता, मैं गिनाने बैठूंगा तो 7 दिन की भागवत सत्ता बिठाऊंगा फिर भी सूची खत्म न हो, इतनी लंबी सूची है मित्रों, इतनी लंबी सूची। मगर मैं आज मैं यहां पशुपतिनाथ सिंह को जिताने आया हूं, मगर मैं कहता हूं हमारे सिंह साहब को, इन्होंने गरीबों के घर दिए, वोट मत देना भैया इसके लिए। बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, रोड लाए, कारखाना चालू करा, रेलवे लाए, वोट मत देना इनको। ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है पशुपतिनाथ सिंह को। पशुपतिनाथ सिंह को वोट जरूर देना है, प्रचंड बहुमत से जिताना है, मगर एक कामों के कारण नहीं देना है। नरेंद्र मोदी ने भारत को सुरक्षित किया है, इसके लिए वोट देना है, इसके लिए। मित्रों, 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 10 साल तक एक गठबंधन की सरकार चली। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनको पैरों से अपमानित करने का काम करते थे। और मित्रों, हो गया बाबा, हो गया, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, हो गया, अपमानित करने का काम करते थे और मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी, मौनी बाबा चुप रहते थे। मित्रों, ये झारखंड वालों ने नरेंद्र मोदी सरकार बना दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया आप लोगों ने। और अभी अभी पुलवामा के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान मारे गए, 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध, रोष कि अब क्या हो सकता है। और पाकिस्तान ने अभी देर नहीं की भाई, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी, सबको लगता था अब क्या हो सकता है। मगर ये नरेंद्र मोदी भी भैया
छप्पन इंच की छाती वाला मर्द है, 56 इंच की छाती वाला। पाकिस्तान ने सीमा पर टैंके तोपे बिछा दी, सेना बिछा दी। मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, वायुसेना के लड़ाके विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादियों के पुर्जे पुर्जे उड़ा कर आ गए। मुझे बताओ धनबाद वालों, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सुनाई नहीं पड़ता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मित्रों, ये एयर स्ट्राइक के पहले दुनिया में दो ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, एक इजराइल और दूसरा अमेरिका। मोदी जी ने ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम कर दिया। मित्रों, उस दिन पूरे देश भर के अंदर पटाखे जलने लगे, मिठाइयां बटने लगी, शहीदों की तस्वीर को मालाएं चढ़ाने लगे, मगर दो जगह पे मातम छाया हुआ। एक तो पाकिस्तान में छातियां पीट पीट कर रो रहे थे, वो तो छाना ही चाहिए ना भैया, मातम वहां छाना चाहिए या नहीं छाना चाहिए? और दूसरा, ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम छा गए, उनके चेहरे का नूर उड़ गया जी, हंस नहीं पाते। मुझे तो कई बार लगता है कि वायुसेना ने आतंकवादी मारे पाकिस्तान के, इनके चेहरे क्यों लटके हुए हैं?